नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरकुदा सब्जी मंडी के मुख्य गेट के पास जो टाटिया लगाकर सब्जियों की दुकान की हुई थी, उसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने के कारण सब्जी विक्रेता को काफी नुकसान हुआ है। 3 टाटिया आग के हवाले हो गई, जिसकी सूचना दमकल केंद्र को दी गई। दमकल केंद्र की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस आगजनी में सब्जी विक्रेताओं को भारी नुकसान हुआ है। एक सब्जी विक्रेता के करीब 20 आलू के कट्टे व अन्य सब्जियां भी खराब हो गई। नहीं पता नहीं, अब परमात्मा है ना, तार लग रहा है, तार तो है अभी, शॉर्ट लग, शॉर्ट तो है। 12:30 पर सब कुछ खाक हो गया। फिर भाई प्रशासन तक फोन करा था, फायर ब्रिगेड आई थी कम दम भी 1 घंटे बाद। अच्छा। अपनी यारे फायर ब्रिगेड खड़े होते रोड भी, जो क्योंकि मैं मटिंडू रोड पर हूँ, फायर ब्रिगेड ऑफिस वहीं है, गाड़ी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने फोन पे कह दिया हमारी गाड़ी जड़े है। हाँ, गाड़ी चला गई, मैं देखा है गाड़ी वहीं थी उसकी। मान लो जी 20-22 हज़ार रुपया मेरा नुकसान खुद का अकेले का है, आलू का, प्याज 30 में आलू था, लहसुन और अदरक हरी मिर्च थी, और बाकी यहाँ तीन खड़े हैं, इन भाइयों का भी मान लो 4-5 हज़ार रुपये का हिसाब से इतना नुकसान होया, क्योंकि इनके ये बेचा कच्चा सामान, इनके पास स्टॉक कम था। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। चलिए आपको फटाफट खबरों से कराते हैं अपडेट। हरियाणा होटल सिनेमा घर व शॉपिंग मॉल्स पूरी क्षमता से खोलने के निर्देश। कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा 28 तक बढ़ा। एचटेट 18 से 19 दिसंबर को परीक्षा, 25 नवंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। महिला पहलवान व भाई की हत्या के आरोपी कोच का खुलासा, निशाने छेड़छाड़ का विरोध किया तो मारी गोली, तभी माँ बेटा भी पहुंचे तो उन पर भी की फायरिंग। नीरज समेत हरियाणा की 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 9 को अर्जुन, 1 को ध्यानचंद अवार्ड, 3 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड। कुल 62 खिलाड़ी हुए सम्मानित। क्रिकेटर मिताली राज को खेल रत्न तो शिखर धवन को अर्जुन अवार्ड। सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर HEPC की बैठक। खरखुदा में मल्टी प्लांट लगाने का रास्ता साफ, पानीपत में पेंट की कंपनी लगाएंगे। आंदोलनकारी किसानों पर कानूनी शिकंजा, किसान केस में नहीं ले रहे थे समन, अब सरपंच और नंबरदार को थमा रही पुलिस। बासमती धान के बराबर बिक रही 1121 किस्म, व्यापारी बोले एक्सपोर्ट में अच्छी डिमांड है कारण। वार्ड में लगाई मच्छरदानी ताकि मच्छर डेंगू मरीजों को काटकर दूसरों को न कर सके बीमार। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर में डेंगू के हाई रिस्क एरिया को चिन्हित कर बांटेगा मच्छरदानियां। पंजाब सरकार के फैसले पर विज बोले 26 जनवरी की हिंसा के आरोपियों को आर्थिक सहायता देना शर्मनाक। मणिपुर में सेना पर घात लगाकर हमला, असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 शहीद। उग्रवादियों ने कर्नल को निशाना बनाकर पत्नी 8 साल के बेटे को भी मार डाला। पिछले 3 चुनाव 2014, 2017 और 2019 में राजनीतिक दलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में वेस्ट यूपी रहा। पूर्वांचल को साधने में जुटे सभी दल, यहां जीतने का मतलब यूपी की सत्ता पर कब्जा। T20 वर्ल्ड कप 2021 आज ट्रांस तस्मान राइवलरी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल शाम 7:30 बजे से। वर्ल्ड चैंपियन बनने उतरेंगी, जो जीता उसका पहला T20 वर्ल्ड टाइटल होगा। 20 साल की हिमानी सबसे युवा अर्जुन अवार्डी, मलखम में पहली बार किसी को यह अवार्ड, जर्मनी में दे चुकी हैं ट्रेनिंग। बेलारूस पोलैंड विवाद, ब्रिटिश सेना प्रमुख कार्टर ने चेताया, रूसी खतरा, 30 साल में पहली बार युद्ध के मुहाने पर यूरोप। शीत युद्ध के दौरान सक्रिय कूटनीतिक चैनलों के खात्मे से और गंभीर हो रहे हालात। 15 नवंबर को दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे अनावरण, संसद भवन में लगेगी बिरसा मुंडा स्मृति, उद्यान में लगी धरती आबा की प्रतिमा की तस्वीर। हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, यूपी के 2 अफसरों को फटकार, कहा कितने अहंकारी हैं आप। शराब पीने वालों को झटका, आज से दिल्ली में 10% महंगी हुई शराब। स्वच्छ हरियाणा ऐप, स्वच्छता पर सख्ती, गंदगी दिखे तो फोन करिए, तुरंत पहुंचेंगे सफाई कर्मी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं शिकायत, 2 मोबाइल नंबर किए जारी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9466824156, 98133 83508 शामिल हैं। अगवानपुर गांव के हर घर में बुखार के मरीज, हेल्थ विभाग ने ब्लड सैंपल लिए। मरीज ज्यादा पाए जाने पर डोर टू डोर सर्वे करने के साथ ही ब्लड सैंपलिंग कराई, लेकिन डेंगू पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। आज जिले भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे।
मंत्री के मिल से पुरस्कार न लेने वाले किसान को मोर्चा ने किया सम्मानित। उसके लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, हाई स्पीड वाईफाई हमने लगवाया है यहाँ पे, बच्चा मोबाइल से पढ़ता है, कई बार बच्चा टैब से पढ़ता है या लैपटॉप का प्रयोग करता है, तो हमने हर सीट पे बच्चे के लिए चार्जर का और बिजली के कनेक्शन का जो है फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई है। जो यो 11 करोड़ का कार्य हुआ ये गांव के सहयोग से हुआ। मैं जिधर भी जिस भाई से भी हेल्प मांगी या कोई मदद मांगी, कार्य बताया, उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया। ये मेरे गांव में पानी की बड़ी भारी समस्या थी, उसमें गांव पंचायत और गांववासी गुड़गांव वाली नहर में कनेक्शन कराने में कामयाब रहे। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।